हरी हो आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए। आज क्या है, फोटोशॉप को आप रीसेट टू डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, और आप इंडिविजुअल टूल को भी रीसेट टू डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले क्या है, इसमें जो डिफॉल्ट है उसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ पहले। तो उसके लिए क्या है, अभी ये डॉकर है इसको रिमूव कर दिया मैंने। सो इसी तरह क्या है, ये सिंगल स्ट्रिप का टूल बॉक्स है, तो इसको इधर डबल स्ट्रिप कर लेता हूँ। देखो अभी डबल लाइन में आ गया टूल्स। सो अभी इसमें क्या है, एडिट में आता हूँ, एडिट में आके प्रेफरेंसेस में आता हूँ, इसमें जनरल में आता हूँ। इधर आने के बाद देखो अभी इधर क्या है, इंटरफेस करके है। इंटरफेस में आने के बाद इसको क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड क्या है लाइट कर लेता हूँ, ये क्या है लाइट में आ गया। सो और इधर क्या है, और कर्सर में आता हूँ। कर्सर में आने के बाद देखो अभी जब भी आप ब्रश वगैरह लेते हो तो ये क्या है, सर्कल में दिखता है, यानी इधर नॉर्मल ब्रश टिप करके है, तो अभी मैं इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। और जब भी आप आई ड्रॉपर लेते हो तो देखो भी ऐसे आई ड्रॉपर का ये आइकॉन दिखता है, तो उसके बदले में मैं ऐसे क्रॉस मार्क ऐसे ले लिया मैंने। अभी इसको ओके बोलता हूँ, देखो भी एक बार उसको चेक कर लेंगे हम। एक न्यू फाइल ले लेना आप। सो न्यू फाइल क्या है, ऐसे ओके बोलता हूँ तो देखो भी एक न्यू फाइल आ गया। सो न्यू फाइल लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर ब्रश लेता हूँ। तो ब्रश लिया तो देखो भी ऐसा दिख रहा है आपको ब्रश, यानी उसका साइज आपको नहीं दिख रहा है। अभी देखो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ऐसे कर रहा हूँ तो वो ब्रश का साइज क्या है, अभी देखो इसको ये कर रहा हूँ तो देखो अभी ब्रश का सर्कल में नहीं दिख रहा है आपको, यानी ब्रश आ रहा है इधर। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर समझो मैंने इसमें क्या है, एक आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, ये क्या है आई ड्रॉपर टूल है। सो इसको लेता हूँ तो देखो अभी ऐसे सर्कल में आ रहा है। अगर समझो ऐसा कुछ आपको चेंजेस हुआ है तो उसको रीसेट कैसे करना है, यानी कंप्लीट फोटोशॉप को आपको क्या करना है, रीसेट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस फोटोशॉप को पहले आप क्या कर लो, क्लोज कर दो। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी नो बोल दिया मैंने तो अभी ये क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद अभी देखो डेस्कटॉप पे जो आपका आइकॉन रहता है, अभी ये क्या है फोटोशॉप का आइकॉन है, इसको क्या है कंट्रोल शिफ्ट और आर्ट को होल्ड करके माउस इधर क्या है, माउस राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अभी इधर ओपन बोलता हूँ। सो ओपन बोलने के बाद आपको क्या है, बिल्कुल क्लिक को नहीं छोड़ना है जब तक ये पैलेट नहीं आता है। यू शुड नॉट लीव द क्लिक अंटिल यू गेट दिस पैलेट। इतना होने के बाद अभी क्या है, इसको की छोड़ता हूँ। अभी इसको क्या है, यस बोलता हूँ तो देखो अभी ये क्या है, ऐसे ओपन हो रहा है। अभी जैसे ही ओपन होता है, अभी देखो आप जैसे पहले डिफॉल्ट में जो था वैसा ही इधर क्या है ओपन हो चुका है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसी तरह क्या है, आप इंडिविजुअल टूल को भी क्या है आप रिसेट कर सकते हैं। अभी देखो फाइल में जाके ओपन बोलता हूँ। सो एक इमेज ले लिया मैंने। सो एक इमेज लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, क्लोनिंग टूल में आता हूँ। ये क्या है, क्लोन स्टैम्प टूल है, ये लिया मैंने। सो अभी देखो ये ब्रश ऐसा दिख रहा है आपको। ओके, समझो आप ब्रश को चेंज करना है मुझे। अभी क्या करता हूँ, अभी देखो ये ब्रश थोड़ा बड़ा किया मैंने। अभी इस ब्रश को मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए क्या है, इधर ब्रश में आता हूँ। ब्रश में आके कौन सा भी आप एक ब्रश सेलेक्ट कर लो। इस ब्रश को सिलेक्ट किया मैंने। अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी इसको क्या है, थोड़ा बड़ा करना है मुझे ब्रश को, थोड़ा बड़ा किया मैंने। और इसमें ओपेसिटी थोड़ा कम लेना है, समझो भी 55 प्रेस करता हूँ तो देखो भी ये 50 हो गया। अभी समझो अलाइन एक्टिव है, अलाइन एक्टिव को रिमूव कर देता हूँ। और ये क्या है करंट लेयर करके, इसको भी क्या है ऑल लेयर्स बोल देता हूँ। ऐसा कुछ ज्यादा चेंजेस किया है मैंने अभी इस प्रॉपर्टी बार में। कुछ चेंजेस करने के बाद अभी आर्ट को होल्ड करके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो भी ऐसा आ रहा है। अभी समझो जो भी आपने चेंजेस किया है उस टूल को मुझे अभी क्या करना है, रीसेट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये क्या है क्लोनिंग टूल सिलेक्टेड है। अभी इधर आना है आपको, ये प्रॉपर्टी बार में क्या है इस कॉर्नर पे आना है। अभी इधर क्या है एक एरो मार्क है, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करके आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में आना है। इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करने से एक मेन्यू आ गया। मेन्यू में क्या है, इधर रीसेट टूल करके है। आप रीसेट टूल भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप रीसेट ऑल टूल्स भी कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजेस किया है वो सब क्या है, रीसेट हो जाता है। अभी इसमें क्या है, रीसेट टूल बोलता हूँ। अभी इधर आप देखो ब्रश भी क्या है, ऐसे सर्कल में आ गया। देखो अभी ब्रश मैंने इधर क्लिक नहीं किया है, इधर टूल में जाके सिलेक्ट नहीं किया है, फिर भी ये सर्कल में आ गया, यानी रीसेट हुआ है। अभी इधर क्या है, ओपेसिटी 50 था 100 हो गया, और ये अलाइन एक्टिव नहीं था, अलाइन एक्टिव हो गया। ओके, अभी ये क्या है करंट लेयर में आ गया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। इस तरह क्या है आप टूल को भी रीसेट कर सकते हैं, और जो प्रोग्राम है उसको भी क्या है रीसेट टू डिफॉल्ट आप कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।